के दिल्ली में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज। कॉलेज के परिसर में आरोप है कि वहां पर कुछ हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा था, और न सिर्फ पेड़ों को काटा जा रहा था बल्कि साथ साथ कॉलेज के परिसर के अंदर कुछ अवैध निर्माण भी हो रहा था। इसको लेकर कुछ लोगों ने आरटीआई का इस्तेमाल किया और आरटीआई लगाकर जानना चाहा कि आखिर ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, किसके परमिशन से काटे जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल पूछने की जब कोशिश की तो जो कॉलेज के कर्मचारी, कॉलेज के प्रशासन से जुड़े जो कर्मचारी थे, उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमला किया, उनके साथ मारपिटाई की। मामला आखिरकार पुलिस में पहुंचा। क्या है ये पूरा मामला, ये हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता आकिब खान की इस रिपोर्ट में। यह है सूचना के सिपाही गोपाल प्रसाद और उनके सहयोगी नंदा सावंत। पिछले दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर इन पर हमला हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के अशोक विहार स्थित सत्यवती कॉलेज स्टाफ ने आरटीआई लगाने गए लोगों के साथ हाथापाई की। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक सत्यवती कॉलेज में ये लोग पहले 8 आरटीआई लगा चुके हैं, जिसके आधे अधूरे जवाब के बाद जब इन्होंने फिर से आरटीआई लगानी चाहिए तो कॉलेज प्रशासन आग बबूला हो गया। जब भारत के संविधान ने मुझे सूचना का अधिकार दिया है तो ये हर आदमी का काम है, हर आदमी का अधिकार है कि वो किसी विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है, और हर विभाग का ये दायित्व है कि उस आरटीआई के जवाब को उसे देना उसकी एक ड्यूटी है। और उसके बावजूद उसने खुल्लम खुल्ला नियम को उल्लंघन करते हुए मुझे धमकाया कि आप यहाँ दादागिरी करने आए हैं, आपके साथ हम छोड़ेंगे नहीं, अब मैं आप मुझे जानते नहीं हैं मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, इस तरह के थ्रेटनिंग देने लगे। और उसके साथ साथ हमारे जो सहयोगी हैं श्रीमती नंदा सावंत, उनके साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया। सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद के मुताबिक कॉलेज परिसर में पिछले दिनों कई हरे भरे पेड़ों को काटने और परिसर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर इन्होंने आरटीआई के तहत कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद वन विभाग ने भी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक और आरटीआई लगाने को लेकर इस तरह कॉलेज प्रशासन सीधे तौर पर आक्रामक हो गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ही हमला कर दिया। जब मैंने शोर मचाना शुरू किया कि आप क्या, आप लोग हमारा क्या करना चाहते हैं, एकदम से अचानक कोई अटैक कर देता है तो घबराहट तो हो ही जाती है, और फिर मेरी भी एकदम, हम लोग स्थिति एकदम क्या हो गया, अचानक से कैसे हो गया। तो फिर जब हमने शोर मचाना शुरू किया और फिर अंदर से ही गोपाल प्रसाद जी ने 100 नंबर की पुलिस को फ़ोन किया मौका देखते हुए, और अगर पुलिस इमिडिएटली नहीं आती तो मैं तो ये समझती हूँ कि शायद हमारा मर्डर भी हो जाता। मामले में स्थानीय पुलिस दोनों पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम हिस्सों में आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करने वालों को भ्रष्टाचारी सरेआम निशाना बना रहे हैं, और ये एक बड़ा सवाल है। 90% जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनको खाने की समस्या है, लेकिन वो देश के लिए सोचते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, और सरकार उनको प्रोटेक्ट नहीं करती है। इस वजह से आज आरटीआई एक्टिविस्टों पे हमला हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नियम पे भी बेदाग प्रश्न लगता है। इस तरह सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल कर समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर होने वाले हमलों को लेकर आखिर प्रशासन या फिर जिम्मेदार लोग कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? क्या यूं ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा? सूचना के अधिकार कानून के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। आए दिन सूचना के सिपाहियों पर इस तरह के हमले होने की बात सामने आती रहती है। ऐसे में विसल ब्लोअर एक्ट इन सूचना के सिपाहियों को काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सके। नई दिल्ली से कैमरामैन विजय कुमार के साथ आकिब खान, जी न्यूज़।